भीमसेना जिला अध्यक्ष अशोक बेरवा के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य मांगे मौके पर संसद ग्रामवासियों को आने जाने के लिए ऑनलाइन ट्रेस में 20-20 फीट का रास्ता सार्वजनिक करने, मौके पर स्थित मनरेगा के तहत बनाए गए सार्वजनिक तालाब को नक्शा, ग्राम अहमदगंज बेरवा के ढाणी तहसील पीपलू में संसद बेरवा समाज के ट्रेस में सार्वजनिक किया जाए, बस्ती के चारों ओर तारबंदी कर रास्ता बंद करने वालों के विरुद्ध, ग्राम अहमदगंज बेरवा के ढाणी में बेरवा समाज के 45 घरों की बस्ती है जिसमें करीब 500 महिला पुरुष बच्चे निवास करते हैं तथा कृषि कार्य कर अपने परिवार का पेट पालन करते हैं, किंतु इस बेरवा डाणी के चारों ओर खाता संख्या 54 में खसरा नंबर 106, 126, 127, 396, 398, 413, 431, 432, 433, 432, 433, 436, 436/70 कुल रकबा 29 बीघा 11 बिसवा की विवादित कृषि अराजियात है, जिसकी सालाना रिसवरी बोली से छूटती है तथा वर्तमान में उक्त अराजियात बाबत राजस्व मंडल अजमेर में वाद लंबी थे, परंतु इस बार रिसवरी के दौरान उक्त अराजियात पर प्रशासन की मौजूदगी में उक्त अर्जियात के चारों तरफ तारबंदी करवाई जा रही है, जिससे संसद बेरवा डाणी के लोगों को रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे ये सभी अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं ना ही कष्ट कर पा रहे हैं, जिससे इनके सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया है। पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगाई गई तो पुलिस थाना पीपलू द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है तथा बेरवा समाज के लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही है और झूठे मुकदमे में अहमदगंज बेरवा डाणी के लोगों को बंद किया गया है तथा वहाँ एक सार्वजनिक तालाब है जिसमें मनरेगा के तहत कार्य किया गया है, जिसमें गांव के आसपास के मवेशी पानी पीते हैं, किंतु स्वर्ण जाति के लोगों ने उक्त तालाब की पोल का तोड़कर अपने खेतों में मिला लिया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है अहमदगंज बेरवा डाणी में चल रही कार्यों को रुकवाया वे ग्रामवासियों को अपने खेतों पर जाने के लिए रास्ता दिलवाया जाए। टोंग से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। ऊपर भी चार मेरे खा दिया दो घर और मैं की गुआड़ी ने कभी पे कर दिया जो मान तो बस और ये तार ये से ना सब ऊपर जाने जाए। हाँ जी बाबे मान जरा ग्राम मंगाओ लगी है मैं भाई ग्राम मंगाओ ना यहाँ तो बाबा जी लोग अब जान बराबर दावा तो गला काट से बाहर नहीं तो सड़क दूर थी नहीं हंगा कटाला जान बराबर कटाओ बाप पावला ना डालना पूरा दिया सारा तो चार मेर का डंडा खा दिया गुआड़ी ने ले लिया पूरी नंगारी ने कुनको खेत चे वो खेत कुनको चे खेत माँ का चे और गुआड़ी माँ की जमीन माँ की अन जमीन माँ की और चौरान कुटिया खेत का मायने जा खाटो रुपया क्यों रुपया और फिर करिया बंद करवा दिया तो जना ठीक बाद और वहाँ के पास रहा तोड़ और ये थोड़ा जना सड़ा फंसा दिया क्यों फंसाया भाई अशोक बेरवा भीमसेना जिला अध्यक्ष। जैसा कि ये एक अहमदगंज पीपलू थाने का मामला है जिसमें ये जहां इनकी एक बेरवा बस्ती है जिसमें लगभग ढाई सौ से ज़्यादा लोग वहां पे निवास करते हैं, इसके चारों तरफ एक 29 बीघा ज़मीन है जो कि विचाराधीन चल रही है न्यायालय में, लेकिन किसी ने रिसीव करवाकर इसको क्या नाम से अपनी बोली छुड़वा ली, जिससे वो तारबंदी जबकि सदियों से अभी तक कोई तारबंदी नहीं, लेकिन इस बार तारबंदी कर इनको चारों तरफ से एक बाड़ाबंदी कर दी जिसके लिए ये सोच भी नहीं जा सकते और इनके खेतों में भी नहीं जा सकते। पुलिस प्रशासन से बार बार गुहार लगाने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन संबंधित थाना इनको बंद कर देता है। इसको लेकर इस विरोध को लेकर हम न्याय के लिए यहाँ पर आप अम्बेडकर सर्किल बैठे हुए। कल क्या है कि पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे मौके पे पुलिस प्रशासन करवा रही तारबंदी, तो वहाँ पे ये लोगों ने कहा कि भाई ये आप जगह इतनी छोड़ो, हमारा रास्ता यहाँ से एक निकलना चाहिए। इसको लेकर क्या नाम से अब इन्होंने कहा कि रास्ते की बात करी, उस विवाद पर पुलिस प्रशासन ने 151 में यहाँ के बच्चों को उठाकर पीपलू थाने में बंद कर दिया। अब हमारे जमीन थी गाँव के चारों तरफ जो हमारे बुजुर्ग थे उसके नाम चली आ रही है, हम खेती काश करते आ रहे हैं और हमारे बुजुर्ग भी करते रहे। अब उसने 420 में नातू लाल और मोहन सिंह भरतपुर वाले उसने 420 में इस जमीन को फर्जी आदमी खड़ा करके और इस जमीन को नाम लगवा दिया। जो हमारी जमीन है 29 बीघा 11 बीसवा जमीन है और इसने 420 में जो तारबंदी कर ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं हमारे गांव में 400 आदमी है, 445 किलोमीटर की बस्ती है,
और हम बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं, हमारी जमीन को छीन लिया इसने। चारों तरफ से चार तारबंदी कर दी है। प्रशासन से आपने मांग की कभी? प्रशासन से मांग की कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, क्या बोलते हैं अधिकारी, क्या बोलते हैं? हमारे को कनाना कानी कर देते हैं, आज नहीं आना कल नहीं आना, और ये बात है, ये बात हमारे को मिटा देते हैं। थाने में बंद कर दिया था, हमारे को थाना में बंद कर दिया, हमारे दो बच्चे को कल बंद कर दिए, हमारे चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया। ये बैरवा समाज के ये 20-30 लोग आए हुए हैं, इनका कहना है कि कोई रिसीवरी की ज़मीन है इनकी बस्ती के चारों तरफ, तो वो किसी को रिसीवरी दी गई है, तो वो उसके ऊपर कब्जा करने के लिए अतिक्रमण अटवा के तारबंदी करवा रहा है, तो जो इनका जो बाहर निकलने का है वो रास्ता बंद हो रहा है, इसके विरोध में इन्होंने धरना दिया है। तो वहाँ के SDM साहब तहसीलदार जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सुबह है ना जो भी सोल्यूशन हो सकेगा वो सोल्यूशन निकलवाएंगे। क्या बता रहे हैं सुरक्षा, आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप ये लगा रहे हैं कि जो रिसीवरी की ज़मीन दी है वो चारों तरफ तारबंदी कर रहा है, तो तारबंदी करता है तो जो हमारी जो बस्ती है उसके जो निकलने का रास्ता वो बंद होता है, तो हम निकलेंगे कहाँ से? अब क्या समझाइश? अभी इनसे समझाइश की है कि जो सुबह है SDM साहब तहसीलदार जी से मीटिंग करवाएंगे, एक बार ADM साहब से मिल लेंगे, तो जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो सोल्यूशन करवाएंगे।